अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं एंड मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और देखिए, हम लोग की माशाल्लाह इतनी प्यारी एनिवर्सरी पार्टी रही, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चे वगैरह भी। और देखिए, सभी लोग आए हम लोग की पार्टी में, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग ने सेलिब्रेट किए, फुल इंजॉय किए, जितना सोचे नहीं थे। और अब हम लोग जल्दी ही सब कंप्लीट करके फुर्सत हो गए थे, फिर हम लोग ने फ़ोटो शूट अपनी कर लिए थे और सारी पिक्चर्स सीरीन ने ही खींची है। और सीरीन को उतना शौक़ खुद के लिए नहीं है, तो उसकी ज़्यादा पिक्चर्स नहीं देखेंगे आप, क्योंकि वो ज़्यादा खिंचवाती ही नहीं है। नायमा को शौक़ है, तो नायमा की पिक्स काफ़ी सारी हैं। और हम दोनों को अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी अंदर से। हमेशा तो हम लोग एनिवर्सरी मनाते ही हैं हमेशा अच्छे से, बट इस बार स्पेशल था और स्पेशली तरीके से बहुत अच्छे से मनाए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी थी और सारी तैयारियाँ किए, एकदम सारी चीज़ें न्यू ख़रीदे हैं और सभी चीज़ें फुल इंजॉय के साथ सेलिब्रेट किए हैं। आगे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी पिक्स लिए हैं और कितनी प्यारी फ़ोटो शूट हुई है। नज्जू भी काफ़ी हैंडसम लग रहा है और साथ में दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और ब्लेज़र में तो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है, क्योंकि मैंने लाचा वगैरह पहना था तो मुझे लग रहा था कि मेरा लुक हैवी हो जाएगा, और नज्जू का सिंपल। तो फिर हम लोग ने ब्लेज़र भी लिए जिससे कि बिल्कुल दोनों सेम लगें, अच्छे लगें, खूबसूरत। तो इसी हिसाब से दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे थे और इस तरीके से हम लोग ने सारी फ़ोटो वगैरह शूट की। बोलते हैं ना कि जब इंसान को मिलता है तो मतलब इतने अच्छे से सारी चीज़ें कि लगता है कि फिर क्या मांगे दुआओं में। तो इसी तरीके से हम लोग की लाइफ बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से चल रही है माशाल्लाह। इसी तरीके से चले, खुश रहें और हर कोई जैसे हम लोग ने सेलिब्रेट किए हैं, हर कोई इसी तरीके से सेलिब्रेट करे, खुश रहे, क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इसको खूबसूरत तरीके से ही जिए। थोड़ा वक्त रहता है, साथ रहें, वक्त बिताएं और खूबसूरती से अपनी लाइफ और ज़िंदगी जिए, क्योंकि बाकी लाइफ में सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कुछ मोमेंट्स आते हैं जिसको अपन को स्पेशल बनाना चाहिए, इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। वो अलग खुशी होती है, जैसे हम लोग ने किए, हम लोग को एक अलग ही खुशी थी उस दिन, अलग ही, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो जब कुछ चीज़ें आती हैं तो उसको जी भर के सेलिब्रेट करना चाहिए, ये सोच के नहीं कि हाँ जाने दो, कोई बात नहीं होती, अगले बार मना लेंगे या कुछ नहीं। लेकिन ये वन ईयर में आता है, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ चीज़ें वन ईयर में आती हैं, तो उसको दिल खोल के सेलिब्रेट करना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग के अंदर इस बार बहुत ही ज़्यादा था, हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही स्पेशली किए हैं, और स्पेशल था। तो ये देखिए कितने अच्छे से, और सारी फ़ोटो वगैरह काफ़ी अच्छी आ गई हैं। तो सोचे नहीं थे इतनी अच्छी पार्टी रही, सभी लोग आए, वो भी बहुत अच्छा रहा। और काफ़ी दिन से मैं ये सब चीज़ों में काफ़ी बिजी हो गई थी। और ये देखिए हम लोग की पिक्चर्स कैसी लगी आपको, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि और किस तरीके से लुक कर सकते थे, और किस तरीके से मैं लहंगा वगैरह और डिज़ाइनर खरीद सकती थी, या किस तरीके से मेरे ऊपर चीज़ें जमेंगी, कपड़े वगैरह ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए नायमा भी अपना लुक दी, कितना प्यारा प्यारा पिक्चर्स। तो हम लोग ने ये पार्टी होने से पहले ही पिक्चर्स वगैरह ले लिए थे, क्योंकि काफ़ी वक्त था सभी लोग को आने में, तो सोचे कि थोड़ी सी हम खुद अपनी फ़ोटो शूट कर ले। तो रोज़ वगैरह ये सब चीज़ों की फ़ोटो शूट तो हर लड़की का ख्वाब होता है कि हस्बैंड रोज़ इस तरीके से दे जैसे इन्होंने दिए हैं, तो वैसे ही इन्होंने दिए, ऐसा आज तक मतलब पहले हुआ है बट इतने अच्छे से नहीं। तो एक अलग ही खुशी थी, बहुत ज़्यादा अंदर खुशी हुई और एकदम दिल से हम लोग ने इस चीज़ को सेलिब्रेट की, एनिवर्सरी को। और माशाल्लाह इसी तरीके से हम हर साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, और इसी तरीके से हमेशा हम दोनों खुश रहें और लाइफ को यूं ही इंजॉय करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, हर लाइफ अपनी, हर साल, हर ज़िंदगी यूं ही बिताते हुए चले जाएं। बस यही दुआएं हैं मेरी। और ये देखिए बहुत अच्छे से सारे मोमेंट्स वगैरह रहे हैं, और केक वगैरह भी मैंने ही बनाया था। और कैसा लगा केक आप ज़रूर बताइएगा।
और काफ़ी खाने में तो बहुत अच्छा टेस्टी था, बहुत अच्छा था। हर लड़की की होते हैं अरमान कि अपने हस्बैंड के साथ इस तरीके से फ़ोटो खिंचाए, इस लुक में करे। मैंने सारे अरमान इस फ़ोटोशूट में पूरे कर ली। काफ़ी सारी हम लोग की पिक्चर्स वगैरह ली, कुछ तो अब सीरीन ले रही थी तो कुछ अच्छी आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, लेकिन ये भी हम लोग के लाइफ के बेस्ट मोमेंट है। तो मैंने सभी चीज़ों को इस तरीके से कैद कर ली हूँ कि जब भी मुझे लगे तो मैं ज़रूर इनको खोल के देख के और अपने चेहरे में एक खूबसूरत सी स्माइल लेके आऊँ। जब भी ये सब देखती हूँ तो वो पार्टी याद आती है, वो पल और वो खुशियाँ। तो ये सब चीज़ें लाइफ के बेस्ट मोमेंट होते हैं और अपन को अपने चेहरे में और अपनी लाइफ में एक नयापन, खुशियाँ वाली चीज़ होती है। ऐसा लगता है ना कि ये मोमेंट चलेगा, जैसे अपन कैद नहीं कर पाते, पिक्चर्स नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब ये बाद में अपन देखो तो एक अपने चेहरे में खुशी, स्माइल और सारी चीज़ें याद आती हैं कि कितने प्यारे खुशनुमा दिन हैं हमारे, कितने अच्छे दिन हैं और कितने प्यारा वक्त गुजर रहा है, वो भी हस्बैंड के साथ। बहुत खुशकिस्मतें होती हैं लेडीज़ से जब हस्बैंड इस तरीके से साथ देते हैं, हर चीज़ में रहते हैं और अपनी हर खुशियों का ध्यान रखते हैं। माशाल्लाह नजू इतने अच्छे हैं कि कभी किसी चीज़ में मना नहीं करते हैं। आप कुछ भी लो, कुछ भी करो, बट खुश रहो, अच्छे से रहो सभी लोग। इस तरीके से तो मैंने अपनी पार्टी की पूरी तैयारियाँ की है जी भर के, और इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे से हम लोग की। फिर भी छोटी सी खुशियाँ थी, छोटी सी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ के और इस तरीके से हम लोग ने सेलिब्रेट किए हैं। बहुत बड़ा कुछ हम चाहते नहीं हैं, थोड़े से में ही खुश रहना चाहते हैं, थोड़े से में ही खुशियाँ ढूंढते हैं। और ये देखिए सभी लोग आए थे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग की इस छोटी सी खुशियों भरी पार्टी में आप सब लोग आए। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा हम लोग को खुशी हुई कि आप सब लोग ने वक्त निकाल के हम घर में आके और दिए, क्योंकि इन लोग की ड्यूटी में वक्त निकालना, किसी घर जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी भैया लोग आए, भाईजान लोग आए, भाभी सभी लोग, तो अच्छा लगा। अंकल आंटी बाजू में भाभी भैया रहते हैं, वो लोग भी आ गए थे, तो हम लोग को इतनी खुशी। और हमारी पार्टी में चार चांद सभी ने आके ही लगाया, नहीं तो अकेले इंसान कुछ नहीं करता। जब थोड़े बहुत फ्रेंड्स और सभी लोग आते तभी पार्टी में चार चांद लगते हैं। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा पार्टी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।